नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे ब्राइडल लहंगा के ब्लाउज कटिंग पैडेड वाला। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि ब्राइडल लहंगा जो है, लहंगा के ब्लाउज जो है और वो भी पैडेड वाला, किस तरीके से बनाया जाए जो अच्छे तरीके से फिट हो जाए। और अच्छे फार्मूला जो है मैं आपको बताने वाला, यहाँ पे सही तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई लिख लेते हैं अपना। तो लंबाई जो है दोस्तों हमारे यहाँ पर 15.5 है, और जो अपर चेस्ट है यहाँ पर दोस्तों, जो मेरा मेन चेस्ट है वो हमारे यहाँ पर 38.5, और जो हमारा कमर रहेगा 33 रहेगा। तो ये कुछ नाप से मैं आपको कटिंग बताएंगे, आप अपने मेजरमेंट से कटिंग कीजिएगा। ये है 2.5 मीटर का हमारा अस्तर का कपड़ा, और मैंने यहाँ से हमें लगाना है 2 इंच का निशान, जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पे एक इस तरीके से निशान लगाएंगे 2 इंच का, उसके बाद यहाँ पे हम लंबाई नापेंगे 15.5। दोस्तों ये है ब्राइडल लहंगा, इसमें कफ डलेगा, तो इसकी लंबाई 15.5 है, तो अभी हम रखेंगे 16 इंच लंबाई इसकी, और यहाँ से लगाएंगे निशान। अब देखिए यहाँ पे गला भी डीप है, तो गला जो हमारा गला डीप है 10-11 इंची, तो इसका शोल्डर रखेंगे 11.5-12, इसी तरीके से हम शोल्डर रखेंगे। उसके बाद सीधा एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, आर्मोल का शेप देंगे 6.5 पे, फिर यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ से इस तरीके से शेप कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखना, आपने सही तरीके से देखिए, और डार्ट पॉइंट जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे 10:30 और 11 पे आएगा, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे फटाफट, और इस तरफ से हमारा जो रहेगा 4.5 इंच रहेगा। हैवी साइज़ है तो 4.5 इंच, नॉर्मल साइज़ है तो आपका 4 इंची रख करके इस तरह से प्रिंस कट में इसको सेट करना है, और आपको भी इसी तरह से निशान लगाना है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। जो इसका हमारा गैपिंग है 3.5 इंची का गैपिंग है, क्योंकि 3.5 इंच रहेगा ऊपर हमारा, 1.5 इंच रहेगा नीचे, 3.5 इंच रहेगा, उसमें आपका कटोरी जो कफ बोलते हैं वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा, अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से सिल के भी दिखाऊंगा, फुल डिटेल में आपको बताने वाला वीडियो, आपको वीडियो में बने पूरे फुल डिटेल में आपको बताऊँगा यहाँ पर किस तरह से कैसे करना है। देखिए मेजरमेंट हमने किस तरह करना है, यहाँ पर जो हमारा कमर है 33 है, और हमारा जो है डाट का मेजरमेंट है, तो जब डाट डालेंगे तो हमारा कमर जो है 33 आ जाएगा, इसलिए हम मेजरमेंट जो डार्ट है उसका निशान हमें आगे निकालना होता है। तो यहाँ पे हमने निशान सारा लगा लिया है फिलहाल, अब हम यहाँ पे आपको नाप के दिखाएंगे आर्मोल। ये देखिए हमारा आर्मोल जो है 18.5 और 19 इंची जो हमारा आर्मोल है वो हमारा आ जाएगा डार्ट डालने के बाद। तो आपको भी इस चीज़ को चेक कर लेना है आर्मोल कटिंग करने से पहले, आपका जो आर्मोल है वो सही तरीके से आ रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर जब हम डार्ट डालेंगे तो ये हमारा जो है टेढ़ा हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर हमेशा जो है ब्लाउज़ के जो साइड जहाँ पर ज्वाइंट करते हैं वहाँ पे हमें इसको 1/2 इंची ऊपर चढ़ाना होता है। तो आपको भी ये 1/2 इंची कट कर निकाल लेना है, और यहाँ पे भी इस तरह से चटका लगा लेना है। तो जब आप ब्लाउज बनाएंगे और डार्ट डालेंगे तो आपका इक्वल यानी कि सीधा जो है सही और आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब हमने यहाँ पे दूसरा पल्ला कटिंग करना है, पहले हम बैक का कटिंग कर लेंगे। देखिए ब्राइडल लहंगा में हमेशा डबल पल्ला फ्रंट में लगता है, बैक में अगर हल्का कपड़ा है तो डबल लगाइए, नहीं तो सिंगल। तो अभी हम बैक के लिए कट कर लेते हैं, एक सिंगल लगाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से रख करके कटिंग कर लेना है, और मैं अभी आपको एक डबल मतलब फ्रंट में डबल अस्तर करता है, ठीक है दोस्तों, तो मैं डबल वाला भी कट करके दिखाऊंगा आपको। ये हो गया हमारा बैक का, और ये हमारा पहला हमारा फ्रंट है, नीचे वाला जो हमारा है वो बैक का है। तो इसी तरह से रख करके आपको आर्मोल जो है बैक का बढ़ा करके कटिंग कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पर हमें सेम इसी तरीके का दूसरा पल्ला जो है कटिंग करना है, तो यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे, और इसके बराबर करके इस तरीके से आपको भी यहाँ से कट कर लेना है। तो बस यहाँ से कट हो गया है। अब हम कट करेंगे वेलवेट का जो है ब्लाउज, उसको भी कट करेंगे, ठीक है। तो ये दुल्हन के लिए बन रहा है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको भी कभी पैडेड वाला ब्लाउज बनाना है, ब्राइडल लहंगा है, या फिर नॉर्मल ब्लाउज पैडेड वाला बनाना है, तो इसमें आपको सब कुछ बारीकी से बताएंगे, समझाएंगे, जानकारी फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा जो गला होगा वो भी यहाँ पे हमने 2.5 इंच रखा है, लेकिन दोस्तों क्या होता है जो हमारा एम्ब्रॉयडरी करके आता है गला में, उसी गले के अकॉर्डिंग अभी बनाना है, तो हम इसी गले के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ से पलट लेंगे। तो फटाफट हम इसको कटिंग करते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे, और मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर। देखिए अब ये बैक का है, तो बैक का भी गला इसमें बना हुआ है, तो बैक का भी यहाँ पर कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से जो है ना बैक का भी आपको कट कर लेना है। सबसे पहले जो हमारी जो चेस्ट है, जैसे 38 चेस्ट है तो इसकी अकॉर्डिंग का था, और हमारा जो कमर है 33 है, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद मार्जिन के निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए
ये मार्जिन के अनुसार। फालतू मार्जिन किस लिए काटेंगे? देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट पर रख करके काटा था, इसलिए पल्ला बड़ा रहा, क्योंकि बैक में डार्ट जो है काफ़ी गहरा पड़ता है और फ्रंट में डार्ट नॉर्मल सा डलता है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा फालतू कपड़ा इधर का है इसको हम यहाँ से कर देंगे कट। और कट करने के बाद मैं आपको पहले गला दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गला है बैक का, तो आपको इसी अकॉर्डिंग इसको हमें यहाँ से पलट देना है, ठीक है। चलिए बस यहाँ से इसको कट करेंगे इस तरीके से, यहाँ से इसको कट कर लेंगे, हो गया। अब क्या करना है, अब हम इसको बिछाएंगे इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से इसको समझना है और अच्छे तरीके से इस ब्लाउज को बनाना है। ये देखिए, इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। ये पिन है, कुछ पिनिंग है और इसको यहाँ से पिन करना है हमें, तो इस तरीके से पिन कर लेंगे, फटाफट पिन कर लेंगे। पिनिंग करने के बाद इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे बिछाना है हमें, और सही तरीके से बिछाना दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरीके से पिन करना है इस तरीके से। देखिए, क्योंकि ब्राइडल लहंगा है, अगर टेढ़ा मेढ़ा कट गया तो बहुत ही भारी पड़ जाएगा आपको, तो इसीलिए आपको सही तरीका समझना है और सही तरीके से कटिंग करना है। देखिए, बस हमें यहाँ से एक पल्ला लेना है उठा के, यहाँ पर हम इस तरह से रख करके कट कर लेंगे। जो भी साइड में जो यहाँ पर अभी हमारा कम पड़ रहा है, इसको हम क्या करेंगे बाद में, यहाँ पर हमारा ज्वाइंट लगा लेंगे, ज्वाइंट लगा के इसको हम बराबर करके बना लेंगे और सब कुछ पलट के दिखाएंगे, मतलब कि गला भी पलटेंगे, नीचे साइड भी पलट देंगे, और मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग से इसको हम बनाएंगे। पहले आप पटे कटिंग देख लीजिए तरीके से, इसके बाद हम आपको स्टिचिंग भी दिखाएंगे। और यहाँ पे बाजू भी आपको एम्ब्रॉयडरी वाला मिल जाता है, बैक गला में एम्ब्रॉयडरी है, फ्रंट गला में एम्ब्रॉयडरी है। कहने का मतलब दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत का अगर आप करेंगे, थोड़ी सी अगर आप इसमें सही तरीके से अगर आप समझेंगे और बनाएंगे, तो प्रॉपर तरीके से आपको ब्राइडल लहंगा यानी पैडेड वाला जो है लहंगा, आपको लहंगे का ब्लाउज जो है सही तरीके से और सही फार्मूले से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी पिनिंग करेंगे, पहले अच्छी तरह बैठा लेंगे, और बैठाने के बाद फिर इसे हमें पिनिंग कर लेंगे। तो आपको पिनिंग जरूर करना है दोस्तों, पिनिंग करके रखेंगे तो जो कढ़ाई है हमारा आगे पीछे नहीं जाएगा, नहीं तो आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे और आपका ये कढ़ाई जो है आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कटिंग करें तो पिनिंग करके कटिंग करें दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी डालो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। और मैं जेन्युइन बात बताता हूं दोस्तों, यहां पर कोई छुपाने वाला बात नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, आप पिनिंग कर लेंगे फिर कटिंग करेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। मैं जो भी है, जो रियल है, वो मैं आज चीज़ आपको बता रहा हूँ। रियल में ऐसा ही कटिंग होता है, ऐसी तरीके से ही कटिंग किया जाता है, वो अंधाधुन वाला कटिंग मैं नहीं करता हूँ दोस्तों, ठीक है। वीडियो में डिटेल से इसीलिए बताता हूँ, वीडियो मेरी लंबी होती है ताकि आप लोगों को प्रॉपर सारी बात पता चल जाए दोस्तों। ऐसे क्या होता है, मैं भी वीडियो को फास्ट करके, मैं फटाफट कटिंग करके मैं आपको दिखा दूं, लेकिन फिर आप मिस कर जाएंगे और सही तरीका, सही फार्मूला नहीं समझ पाएंगे। देखिए, तो अस्तर में जो जोड़ है दोस्तों, जबकि हमें यहाँ पे लगाना है जिप और हमें साइड में करना है जिप, तो यहाँ पे जो जोड़ है इसको थोड़ा सा बढ़ाकर रखना है, यहाँ पे जोड़ मार करके हमें बराबर कर लेना है, ठीक है। अस्तर को जोड़ मार करके आपको अपने बैग के बराबर कर लेना है, और लंबाई जो है हमारा यहाँ पे है, जैसे मैंने आपको 15.5 बताया, तो बैग की लंबाई हमेशा हम इसको आधा इंची कम रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 15 आएगा। और 15 आने के बाद बस यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, नीचे जो कपड़ा हमारा, यहाँ से हमारा नीचे से पलट जाएगा। मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊँगा, बताऊँगा, ताकि आपको भी कोई भी चीज़ मिस ना कर पाए। और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, ये बाजू है हमारा, यहाँ बाजू जो है हमारा 10 इंच की बाजू है, तो मैं इस तरह से पहले बिछाऊंगा, बैठाऊंगा अच्छे तरीके से। आपको भी सेम इसी फार्मूले से, सेम इसी तरीके से करना है। देखिए दोस्तों, लहंगे का ब्लाउज काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए आपको टाइम देना होगा इस ब्लाउज को बनाने में। ऐसा नहीं जल्दबाजी करके कटिंग कर दें और ख़राब हो जाए, नहीं। पहले वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जो समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, सही तरीका बताऊँगा, उसके बाद ही आप इसको कटिंग कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, 11 मोहरी है, 13.5 डोला है, यहाँ से निशान लगाएंगे, फटाफट यहाँ से इस तरह का निशान लगा लेंगे। और बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखा है दोस्तों, आप मेरी सारी वीडियो जाकर देख लेंगे ना, तो मतलब हर एक वीडियो में एक क्यू जो है ना, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक वीडियो में अपने आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ, समझाने की कोशिश की हूँ, ताकि आपको सही तरीका पता चल जाए बाजू कटिंग करने का, आरमोल का, मतलब बहुत सारा चीज़ को मैंने डिटेल में समझा रखा है दोस्तों। उस सारे वीडियो को आपको जरूर जा करके देखना चाहिए,
देखिए यहाँ पे लगभग हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, चलना है अपने मशीन पे। क्या करना है, यहाँ से दोस्तों मशीन पे आ गए तो सबसे पहले जो डार्ट है, डार्ट का निशान है, उसको उठा लेंगे चारों पल्ले में। ठीक है, ये हमारा पहला पल्ला है तो हमने एक ही तरफ निशान लगाया था, अब हम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। देखिए तो चारों पल्ले में डार्ट का निशान जो है फटाफट उठा लेंगे। उठाने के बाद मैं आपको यहाँ पे डार्ट लगाना भी दिखाऊंगा, चिपकाना दिखाऊंगा, पलटना दिखाऊंगा, मतलब बारीकी से सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यह बस इस तरीके से हो गया यहाँ पे। अब क्या करना दोस्तों, ये दोनों हो गया हमारा, अब दूसरे वाले पल्ले को भी यहाँ पे हमें रख करके छाप लेना। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आप भी इस तरीके से करेंगे ना तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और सही डार्ट भी आप डाल पाएंगे। दोस्तों कभी भी पैड अगर आप लगाएं तो 3 इंची, 3.25 इंची, 3.5 इंची चेस्ट के अकॉर्डिंग पैड को लगाना है। कभी भी डार्ट को कम नहीं करना है। अगर डार्ट अच्छी तरीके से लगाएंगे तो अच्छी तरीके से आपका बैठेगा पैड। बस अब हमारा 38 साइज का अगर चेस्ट है तो इसमें हमें 40 साइड का पैड डालना है। अगर आपका 38 का है तो 40 साइड का पैड डालना है, 34 का है तो 38 साइज का पैड डालना है, 2 इंची प्लस करके डालना है। और इस तरीके से डार्ट मार के आपको चेक कर लेना है कि आपका जो कफ है वो अच्छी तरीके से आपके डार्ट में सेट हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तो सेट हो रहा है, मैं अब यहाँ पे निशान लगाऊंगा। देखिए डार्ट पॉइंट का निशान इसीलिए लगाते हैं दोस्तों क्योंकि कफ लगाना होता है, तो हम यहाँ से लगाएंगे, 1/2 इंची छोड़ेंगे ऊपर से और यहाँ पे 10:30 पे हमारा डार्ट पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे चौक मिट्टी से निशान लगाएंगे, उसके बाद यहाँ आगे पॉइंट से यहाँ पर हम लगाएंगे 2 इंच का, तो 2 इंच नीचे और इसका जवाब भी कर लेंगे पॉइंट का। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें इस तरीके से लगा लेना है। देखिए पहले पॉइंट पे लगा लेंगे और फिर यहाँ पे भी इस तरह लगा। अब इसका जो नक्शा बन चुका, बस यहाँ पे सिर्फ हमें बैठाना। देखिए बारीकी से बता रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, तो वीडियो को समझिए और बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, उसके बाद ही आप सही तरीके से बनाइएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, बारीकी से वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद आपको कफ सेट करना है। तो इस तरीके से कफ को सेटिंग किया जाता है, उसके बाद इसमें लगेगा गोल गोल सिलाई, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सिलाई लगाए। देखिए ज़रा सा भी मिस्टेक होता तो हमें सही करना होता, क्योंकि नहीं तो ये ऊपर नीचे पैड चढ़ जाएगा। और उसके बाद पैड जब लगाएंगे दोस्तों, जो कफ है यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको चेक करना होगा कि आपका जो कफ है वो बराबर लगा है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह रखेंगे, यहाँ से नापेंगे यहाँ पर 4.5 और यहाँ पर भी नापेंगे आप 4.5, तो 4.5 नीचे से नाप लेंगे तो भी ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे पैड की जो है लब की सिलाई, नीचे ना उतरे, उसी के साथ साथ चलता रहेगा और सिलाई लग जाएगी। तो आपको भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए दोस्तों मैं कोशिश पूरा करता हूँ, 100.1% कोशिश करता हूँ कि आपको फुल डिटेल में वीडियो बना के दिया जाए, बट दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, इसीलिए हम लोगों को पार्ट बाय पार्ट में बनाना पड़ता है, मजबूरी है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको प्रॉपरली सिखा देंगे, कटिंग, स्टिचिंग, बनाना, लगाना सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इसमें मज़ा आएगा और सही जानकारी मिल पाएगा इस वीडियो में। तो दोनों पैड को हम फटाफट लगा लेते हैं और ये भी लग चुका है, दूसरा वाला भी हमारा यहाँ से लग चुका है। और ये देखिए इसी तरीके से आपको भी घुमा घुमा के अच्छी तरीके से इसको लगाना है, जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करना दोस्तों। और मैं भी जल्दबाजी यहाँ से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना है तो सही तरीके से समझाएंगे। इसमें बनाने में 2 से 3 से 4 घंटे दोस्तों लग जाता है, इसीलिए डिटेल में वीडियो लाने में बहुत ही समय लगता है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें चिपकाना है, जिसको बोलते हैं जमाना या चिपकाना, जो भी है। तो यहां से आपको इसको अच्छी तरीके से इसको सिलाई मारकर रोक लेना है। सिलाई मार के हमारा रोकना है, पहले सबसे पहले यहां पे सेंटर बनाएंगे, सेंटर बनाने के बाद ही हमारा काम जो है आगे बढ़ेगा। तो यहां पे हम सेंटर लगा लेते हैं फटाफट,
इस तरीके से सेंटर लगाएंगे। और एम्ब्रॉयडरी है दोस्तों, कढ़ाई ये बहुत मुश्किल होता है, इस पर मशीन चलाना, और 3 से 4 सुइयां अभी तक मैंने तोड़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। और आप अपने सही तरीके से बनाइएगा, कहीं सुई हुई ना टूट जाए, और ध्यान रखिएगा सही तरीके से आप इसको सेट करके सही तरीके से आपको बनाना है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका जो है ब्लाउज बने, और डिटेल में ही ब्लाउज बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पर कच्चा कर लेते हैं जो भी कच्चा करना है हमें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो कच्चा करने के बाद क्या करेंगे, इसमें जो कफ वाला अभी हमने लगाया है उसको हमें क्या करना, पलटना है। तो पलटने का और फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको फिनिशिंग भी साथ साथ दिखाऊँ। कहने का मतलब, जैसे मैं बना रहा हूँ, अगर आप सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको फिनिशिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको भी कर लेना फटाफट, जो भी छोटा बड़ा है सेट कर लीजिए फटाफट। देखिए ये, देखिए ये चारों तरफ हमारा ये है फ्रंट का पल्ला है दोस्तों, लग चुका है। और आपको बस थोड़ा सा और बचा, वो भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अब यहाँ से आर्मोर का भी सेटिंग कर लेंगे फटाफट। तो दोस्तों डिटेल में वीडियो लाने में बहुत ही समय लगता है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बस ये देखिए।